अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। लेकिन हम आपको ऐसी भक्त के बारे में बताते हैं जिन्होंने कशीदाकारी कर श्री राम दरबार बनाया है। प्रस्तुत है अजमेर से हमारी संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। अजमेर की 41 वर्षीय निधि पाराशर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल विकास की प्रेरणा से प्रेरित होकर निधि ने श्री राम दरबार बनाया है, जो 4.5 फीट चौड़ा और 4.5 फीट लंबा है। अब वे चाहती हैं कि ये तैयार किया गया कि राम दरबार अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान हो। निधि पाराशर अब तक ऐसी कई कलाकृतियां बना चुकी है। राम दरबार बनाने में उन्हें 1 साल से ज्यादा का समय लगा है। जब से मोदी जी ने स्किल इंडिया के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया तो मुझे भी ये लगा कि मुझ में भी ये स्किल है, तो मैं इसे एक बड़े पैमाने पे लेके जाऊं। फिर मैंने उसे बड़े पैमाने पे ले जाने के लिए एम्ब्रॉयडरी से श्रीना जी बनाना स्टार्ट किए, और अभी राम दरबार मैंने कंप्लीट किए हैं, और राधा कृष्ण भी बनाया मैंने, गणेश जी भी बनाए हैं। ऐसे मैंने बहुत सारी हैंडमेड टोटली हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बनाए हैं। इसको बनाने में मुझे एक एक फ्रेम को बनाने में साल भर का वक्त लग जाता है, क्योंकि बहुत बारीक काम होता है। और मेरी ये इच्छा है कि जो ये मैंने राम दरबार बनाए हैं, ये अयोध्या के मंदिर में स्थापित हो जाए। निधि अब तक कशीदेकारी से खाटू श्याम जी, श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण बना चुकी है। इस काम में परिवार के लोग उनका सहयोग करते हैं। परिजनों का कहना है कि इससे उन्हें गौरव का अनुभव होता है। मेरी वाइफ ने राम दरबार बनाया अयोध्या के लिए, और हमारे सबके घर वालों की इच्छा है कि ये अयोध्या में स्थापित हो और योगी जी मोदी जी इसको स्थापित करें अपने हाथ से। और इसको बनाने में पूरा साल भर लग गया था, और ये इनके तो क्या टैलेंट, इनका पहले से बाई बर्थ है, तो ये इनको बहुत शौक है शुरू से कुछ करने का। और हमने इसको पूरा देखा, मेरी वाइफ को, निधि को, कि जो भी करना है करें, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। निधि का मानना है कि घर में कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती है। वे घर की कोई भी वस्तु को फालतू में नहीं जाने देती है, चाहे वे शादी के पुराने कार्ड हो, मिठाई के डिब्बे हो, या फिर थैली बांधने के लिए काम में ली जाने वाली धागे या डोरियां हो। वे बेकार वस्तुओं का कुछ ना कुछ सकारात्मक और सृजनात्मक प्रयोग करती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।